अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रहीम अली ढिल्लों और मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त जी, और मैं भी इनसे पहली दफ़ा मिला हूँ, उनसे आपको मिलवाने जा रहा हूँ, अशर पैथिस और अलीशा। ये थोड़ा सा मैं बता दूँ कि आज की वीडियो डिफरेंट क्यों है, कि हम लोकली तो देख रहे होते हैं कि हम पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, लोग इंस्पायर हो रहे हैं, एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, लव बर्ड फार्मिंग, लव बर्ड ब्रीडिंग, ये वो। ये जो मेरे दोस्त हैं, ये मैं खुद इनसे पहली दफ़ा मिल रहा हूँ जी। ये USA में होते हैं जी फॉर पास्ट वन डेकेड, और 7-8 साल बाद ये पाकिस्तान में आए हैं, और हम एज अ फ्रेंड, एज अ लव बर्ड ब्रीडर मिल रहे हैं, क्योंकि ये हमारा जो पाकिस्तान में काम हो रहा है वो इतना इंस्पिरेशनल है कि मैं बोलता हूँ तो अक्सर वीडियोज़ में कि बाहर के मुल्कों में जो लोग बैठे हैं वो इससे इंस्पायर होते हैं और वो हमें देख रहे होते हैं, हमारे बर्ड को पसंद करते हैं। तो इन्होंने भी USA में बर्ड हमारे पाकिस्तान के अभी कल्चरिस्ट को देख के शुरू किए, और इतने एंथुजियास्टिक हैं कि जो USA में अभी जो ट्रेंडिंग काम हो रहा है उसमें माशाल्लाह ही इज़ डूइंग वेरी गुड, और रिसेंटली पाकिस्तान में भी इनकी एवरी इन्होंने स्टार्ट किया। तो अच्छा साहब, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बताएं, कब आए पाकिस्तान? जी मैं आया, 2 दिन हो गए मुझे पाकिस्तान आए हुए, तो बड़ा एक्साइटेड था आने के लिए, क्योंकि इतने साल हो गए थे और आया नहीं था, तो बस। और मेरे ख्याल तो ज़्यादा टाइम आप जो है ना बर्ड के साथ, बर्ड के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, अभी नया सेटअप जो आपको पता ही है, तो आपसे भी कुछ बर्ड गए हुए हैं, तो मतलब सारा सेटअप लगाया उसके साथ कर रहे हैं, और आपको मिलना था वो बड़ी एक्साइटमेंट थी। और मुझे ये बताएं, अब थोड़ा सा ये आपने अपनी जर्नी जो थोड़ी सी, कि लव बर्ड्स अमेरिका में ही रख लिए तो क्यों रखे, क्या क्या जहन में आया? भाई कोई अजीब सी स्टोरी है ये, मेरे दोस्त हैं, तो हम लोग ग्रुप में एज अ व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा ना, तो मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, उन्होंने एक पिंजरा बनाया कोविड के दिनों में, और उन्होंने पिक्चर भेजी कि मैंने ना ये पिंजरा बनाया और मैं लव रखने लगा लव बर्ड। ओके, और कुछ दिन गुजरे तो मैं कहा यार मुझे भी पिंजरा बना के दो, फिर उसने मुझे ही बना के दिया पिंजरा। फिर मैंने क्या किया, मुझे लव बर्ड का बिल्कुल नहीं पता क्या होता है, बचपन में इतना पता सिर्फ फिशर होते हैं कोई कुछ उनका पता, बाकी और कुछ भी नहीं था पता। गए कहीं एक दूर 1.5-2 घंटे की ड्राइव से एक बंदे से जाके सीख फेस ले आए, पता नहीं मेल फीमेल है नहीं है। उसके बाद वो रखे 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 करते 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 आपकी वीडियो देखी और जितने भी हैं सबकी वीडियोज़ वगैरह देखते रहे, तो वो शौक ऐसा कोई डेवलप होता गया, कलर्स इनके स्पेशली फीचर्स में, अप्लायंस में कलर ऐसे कोई अट्रैक्टिव हैं कि मतलब आप खुद ही खींचे जाते हैं उस तरह। तो मुझे बड़ा मज़ा आया, काफ़ी सीखा वीडियो से, सारा वीडियो से सीखा, आपकी वीडियो बहुत देखते रहते हैं और भी जितने हैं सब। एवरी जो भी आपने बनाई, मैं जी ऑनलाइन देख रहा था, इन्होंने मुझे एक दिन वीडियो कॉल पे लिया, बड़ी खूबसूरत एवरी है, मैंने खुद बनाई, वेरी नाइस। हमने तो हमसे ज़्यादा जो है ना वो एंथुसियास्टिक मुझे याद लग रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि वहाँ पे कौन से बर्ड ज़्यादा पॉपुलर हैं जिस पे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, और वहाँ पे कैसा चल रहा है एज अ हॉबी? वहाँ पे ऑफलाइन में काफ़ी काम हो रहा है और काफ़ी ब्रीडर हैं, जो आई थिंक कुछ जो हमारा ग्रुप है उसमें 500-600 लोग ऐड हैं उस ग्रुप में ना। आप फ्लोरिडा में है ना? मैं हूँ सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। तो जो फ्लोरिडा में ज़्यादा ब्रीडर हैं तकरीबन जो मुझे पता 500-600 लोग जो ऑफलाइन पे वर्किंग कर रहे हैं, उनके पास सेल फेलो भी हैं, मिस्टी भी हैं, सारी ब्लड लाइन है उनके पास, ठीक है, क्योंकि वो यूरोप से वेनेजुएला वगैरह से मंगवाते हैं उनके लिए, तो वो ईजी हो जाए। लेकिन मुझे ऑनेस्टी से ये बताएं, जो बर्ड्स आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किए और म्यूटेशन की अपग्रेडेशन और वर्किंग यहाँ पे देखी है, क्या वहाँ पे भी ऐसी है? नहीं, यहाँ पे जो बर्ड हैं वो तो टॉप लाइन है। मैं आपको एक और बताऊँ कि मतलब मेरी 4-5 लोगों से बात हुई जो फॉरनर हैं, तो मैंने उनको बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मैं ऐसे ऐसे लबर्ड रखे हुए हैं, तो मुझे कहते हैं यार हम लोग फॉलो करते हैं पाकिस्तान के जो जो भी वीडियोस वीलॉग्स वगैरह बनते हैं वीडियोस, तो हम उनको फॉलो करते हैं, तो उनके पास ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के बर्ड हैं, बेस्ट क्वालिटी के बर्ड। दैट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस, कि वो लोग जो US से, जो हम कहते हैं वर्ल्ड नंबर वन और हर चीज़ में, टेक्नोलॉजी में, सब कुछ में, और लबर्ड में आप हैं, लबर्ड में वो नहीं है। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि मुझे समझ नहीं आती हमें क्या बोलते हैं वो, बट बर्ड की क्वालिटी जो है ना वेरी गुड क्वालिटी,
मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यूरोपियन बर्ड अच्छा है या कौन सा, पाकिस्तानी बर्ड वेरी गुड क्वालिटी। नो डाउट। तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ देख के, फिर मैंने उनको कुछ लिंक्स भी भेजे वीडियो के ताकि आप और फॉलो करें लोगों को। ठीक है, तो आई होप दे फॉलोइंग। अच्छा, जो हम प्राइसेस की बात करते हैं कि जी पाकिस्तान बहुत महंगे, हम ओवर प्राइस बेच रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अभी आई वॉज अस्टॉनिश टू नो के जो प्राइसेज आप मुझे ऑफलाइन की बता रहे थे, वो जरा थोड़ी सी बताएं इसमें कि ग्रीन ऑफलाइन वहाँ पे कितने का है। ग्रीन ऑफलाइन बहुत बुरी हालत का भी होगा, बैड मार्किंग, वो मिनिमम 300 से 400 का आराम से बिक जाएगा, 300-400 US डॉलर। US डॉलर पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करें तो कितना बन जाएगा जी ये रफली? तकरीबन वही कोई 70-80 हज़ार, तकरीबन 70-80 हज़ार। और अगर पाब्लू ऑफलाइन हो तो? पाब्लू ऑफलाइन हो तो वो 1000-1500 के बीच में जाता है। मैं आपको 5-6 अपने पाब्लू ऑफलाइन दे रहा हूँ, आपने लेके जाने अकाउंट नंबर भी शेयर कर दूंगा मैं। और अगर पेल फेल हो तो पेल फॉल जो है वो पेयर 7-8 हज़ार डॉलर का है वहाँ पे। ना जी, नॉट ऑफलाइन, सिंपल नहीं, ऑफलाइन में 7-8 हज़ार डॉलर डॉलर का, ये मिलियंस में बन गए हैं जी। क्योंकि तो मेरे एक है बंदा, वो यूरोप का ही है, तो उसने मंगवाया था आज से कोई 6-7 साल पहले, 7 हज़ार डॉलर का उसने मंगवाया था यूरोप से। और वो भी कौन सा था? ग्रीन ऑफलाइन फेल फेलो। ओके, और उसके साथ था कोई सादा मेल था जो स्ट्रेट ऑफलाइन का था, स्ट्रेट फेल फेलो का मेल था। वेरी नाइस। या अच्छा, यहाँ पे एवरी, वहाँ पे तो आप एवरी चला रहे हैं, तो अलीशा आपके रिलेटिव भी हैं, फ्रेंड भी हैं, इनके साथ मिलके जो आपने पाकिस्तान में एवरी स्टार्ट की, छोटे भाई भी हैं, तो वो यहाँ पे क्या पर्पस था जी, वहाँ पे चल रही है? मुझे थोड़ा शौक था सबको देख के, फिर सारे पैसे कमा रहे हैं थोड़े तो मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई। तो अलीशा से फिर मैंने बात की, तो ही नेवर हैड अ बर्ड बिफोर इन हिज लाइफ, तो बट अभी स्टार्ट किया थोड़ा, तो फिर लिया इसने, बट ही इज डूइंग वेरी गुड जॉब, वेरी गुड, सो ही इज टेकिंग केयर वेरी वेल। अभी इसका फर्स्ट टाइम है, नो प्रॉब्लम इन द बर्ड, सो दैट्स गुड, ऑल बर्ड गुड। अलीशा आप भी बिल्कुल बिगिनर हैं, पहले बर्ड आपने भी बिल्कुल बिगिनर, तो ये शौक इन्होंने ज़बरदस्ती दिलवाया मेरा ख्याल है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं दिलवाया, एक्चुअली मैं गुजरांवाला में ही रहता हूँ, तो उधर ही छोटी सी जॉब कर रहा था, तो उससे पहले मैं कतर में था, उधर जॉब कर रहा था, तो फिर अशर भाई ने मुझे कहा कि इन जॉब्स में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं पड़ा तो बिज़नेस की तरफ आओ, तो फिर अशर भाई ने मुझे वेरी नाइस बिज़नेस के। अभी ये आपकी फर्स्ट स्पीड है जी? बिल्कुल फर्स्ट। तो कैसा, मतलब कितना ज़्यादा ये आपको इन्वॉल्व करता है कि अभी जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो मुझे बता रहे थे कि जी मैंने सोचा था शायद एक दो घंटे दे दूँ, क्या जी सारा दिन मेरा बर्ड के साथ? बिल्कुल ऐसा ही है, तो मुझे बिल्कुल भी लव बर्ड का पता भी नहीं था, और मैं ये भी नहीं था पता कि इनकी म्यूटेशन भी कोई चीज़ होती है, तो वो फिर आशर भाई ने बताया कि म्यूटेशन इसको कहते हैं, और इन्होंने सब कुछ मुझे, और कुछ आपकी वीडियोस देख देख के सीखा। अच्छा, और अभी मुझे 2 महीने, वेरी नाइस। एज अ बिगिनर क्या आप ये समझेंगे बड़ा आसान है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है और इंटरेस्टिंग है, इसको इसको इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है एक नए बंदे को रखने में? मतलब नए बंदे को रखने में मुश्किल तब आएगी अगर उसके शौक नहीं है तो हॉबी। एग्जैक्टली। फेलो अपलाइन जो आप कह रहे थे, हाँ ठीक है, जो आपको पसंद है, एक बर्ड बाहर निकला है, इसको हम बाद में पकड़ेंगे, ठीक है? और ये पाब्लू अपलाइन पेल फेलो, वॉलेट अपलाइन पेल फेलोस, और ये बर्ड वहाँ पे कितने लोगों के पास ऑफलाइन पेल फेलो? ये बर्ड आई डोंट थिंक सो एनीबडी हैव इट। ओके, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मैंने देखा नहीं है किसी के पास। पेल फेलो में ग्रीन और पार्ट ब्लू में मैंने देखा है, बट ये वाला मैंने नहीं देखा। ओके, और ये वाला है राइट। व्हाट अबाउट पेल्स, जो भी पेल्स आपने देखे? पेल है, मेरे पास भी 2 पेयर लगे हैं ये जी, मेरा ख्याल है आपके साथ यूएस से जाना चाहते हैं भागे हैं। एसएल पेल मेरे पास भी 2 पेयर लगे हैं जो वो मैंने देखे थे। हाँ जी, दे वर वेरी नाइस, और मेरा ख्याल है जिस टाइम वो बर्ड्स आए तो उस टाइम अभी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी वहाँ पे म्यूटेशन, लेकिन अब लोगों को खासा पता है। हाँ जी, अभी लोग काफ़ी वर्किंग कर रहे हैं उस पर, तो वो जो है ना बर्ड वो काफ़ी अच्छा, मेरे पास अभी उनके बच्चे भी आगे हुए हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखें जी, पेल जी यूएसए में भी ब्रीड हो रहा है, इंटरनेशनल बर्ड है, और ये जी असल पेल जो आपकी पिक्चर वाला बर्ड प्रोबेबली वो ऐसा बनेगा या तकरीबन। ये अबाउट टू सेल्फ है, ये ज़रा कैमरे में ज़रा क्लोज करें बस,
ये जी SL पेल ब्लू अप्लाई, तो इट्स अ गुड बर्ड जो मैंने आपके पास देखा था, माशाल्लाह बड़े डिसेंट बर्ड आया था। मेरे पास दो पेयर लगे हैं, दो, एक तो पार्ट ब्लू लगा हुआ है और एक ब्लू फ्लाइंग का मेल है, स्प्लिट पेल का, और फीमेल पेल है, वो भी पार्टलो की है। नहीं जी, जो भी म्यूटेशन आप पाकिस्तान में देखें और यहाँ जो वर्किंग करें और जो आप बहुत सारी चीज़ें लर्न भी कर रहे हैं, वो वहाँ पे जाके डेफिनेटली यू स्प्रेड एज वेल। और मैं वही बात ही जो आपसे कह रहा था सर, आपका फ़ोन और मेरा बर्ड क्योंकि मेरा बर्ड मुझे ज़्यादा प्यार है। तो जनाब, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाकी कंट्रीज़ में, USA में, जैसे मेरे दोस्त हैं मेरे शरीय बता रहे हैं, लवबर्ड हर जगह, और लवबर्ड पाकिस्तान का लवबर्ड दुनिया में बहुत लोगों को इंस्पायर कर रहा है, वो उनके मुल्कों में काम हो रहा है और हम ये कह रहे होते हैं यार लवबर्ड तो गया। तो अब ये देखें कि लवबर्ड का पोटेंशियल और लवबर्ड की अट्रैक्शन इतनी है कि हम लोग यहाँ पर, आप सब लोग जो देख रहे हैं वो इंस्पिरेशन है बाकी मुल्कों में जो लोग जो लवबर्ड लवर्स हैं। और कोई मैसेज कुछ आप देना चाहेंगे? बस सबको यही है कि जस्ट कीप गोइंग अप, तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करें लवबर्ड पे। तो बस, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।